पोषण के प्रकार, मुख्य रूप से पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला पोषण है जिसको बोलते हैं स्वपोषण, या उसी का नाम है स्वपोषी पोषण। स्वपोषण है क्या? तो पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव, जीव मतलब पेड़ पौधे, यहाँ मुख्य रूप से जीव कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधे, स्वपोषी पोषण उसी में पाया जाएगा। तो जिसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य जीव का सहारा नहीं लेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और स्वपोषी पोषण से जो जीव अपना भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से आते हैं पेड़ पौधे और शैवाल। पेड़ पौधे जब भी खाना बनाएंगे तो अपना किसी अन्य जीव का सहारा नहीं लेंगे, शैवाल भी किसी अन्य जीव का सहारा नहीं लेते हैं। दूसरा पोषण की विधि है, उसका नाम है पर पोषण, विषमपोषी पोषण या विषम पोषण। इसका जस्ट उल्टा, जिसमें जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दो जगह से प्राप्त करेंगे। पहला है कहाँ से? पेड़ पौधों से या जंतुओं से। जैसे हम लोग मनुष्य जो भी खाना हम लोग बनाते हैं, या तो कोई पेड़ पौधा का सहारा लेंगे या किसी जीव को हम लोग खाते हैं या उसका उत्पाद खाएंगे। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग किसका सहारा लेंगे? दूसरे पेड़ पौधे का या फिर जंतु का। तो उस पोषण की विधि को हम लोग कहेंगे पर पोषण। और जिस पर पोषण विधि से जो जीव अपना भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें बोलेंगे पर पोषी, दूसरे से पोषित होने वाले। इसमें मुख्य रूप से ये जंतु है, जंतु मतलब हम लोग सभी आ जाएंगे जंतु में। दूसरा है अमरबेल, अमरबेल जिसको आप लोग जानते हैं, अमरबेल का एक हम लोग फिगर से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पीले रंग का यह होता है, सिंदूर में आपका लपेटा हुआ रहता है। तो यही पीले रंग का जो पौधा है, ये पीले रंग का, यही पीले रंग का पौधा है जिसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल। अमरबेल जो सिंदूर है उससे पोषित होता है, इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं आपका पर पोषी में, या फिर पर पोषण विधि से अपना ये भोजन प्राप्त करेगा। ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाएगा, जो दूसरा पौधा बनाएगा उसी पौधे की मदद से ये अपना खाना बनाएगा। देखिए हम लोग के बोर्ड पे ये फोटो आ चुकी है अमरबेल की, देखने में ये दिख रहा है पीले रंग का है ये पौधा। देखिए यहाँ ये लपेटा हुआ है, इस पौधे में ये दिख रहा है साफ साफ, इसमें ये लपेटा हुआ है। और लपेटे होने के कारण ये उस पौधे को जहां जहां लपेटेगा वहां वहां उसे बढ़ने नहीं देगा। इस जगह पर देखिए ये दिख रहा है लपेटा हुआ है पौधे को, इस टाइप से जकड़ा हुआ है पूरा। तो इस पोषण की विधि को हम लोग बोलेंगे, ये दूसरे से हो रहा है इसीलिए इसका नाम है विषम पोषी पोषण या पर पोषण। अब जो यहाँ हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग को आगे पढ़ना है, वो है विषम पोषी पोषण पौधे में कितने प्रकार के होते हैं, आगे का टॉपिक। अभी तक हम लोग स्वपोषी समझ गए जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, इसमें मुख्य रूप से पेड़ पौधे और शैवाल आते हैं। और पर पोषण या विषम पोषी पोषण जीव, जिसमें जीव जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे या दूसरे जीवों पर या जंतुओं पर निर्भर रहेंगे, इसमें आएंगे मनुष्य जीव जंतु और अमरबेल ये सब। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है पौधों में पोषण की विधियां। पौधों में पोषण की तीन विधियां हैं, पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है मृत जीवी और तीसरा है सहजीवी। परजीवी किसको बोलते हैं? पोषण की वह विधि, वैसी विधि जिसमें जो पौधे अपना भोजन प्राप्त करेंगे अन्य जीवित पौधों से, जिंदा पौधे रहेंगे उस पौधों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तब हम उस पोषण की विधि को बोलेंगे परजीवी पोषण। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे अमरबेल में, अमरबेल क्या था? एक सिंदूर का जीवित पौधा था, उसमें वो लपेटा हुआ था और उससे वो भोजन को प्राप्त कर रहा था। अब हम लोग एक दूसरा पौधा लेते हैं, उसको हम उसमें हम लोग समझते हैं परजीवी पोषण को। देखिए परजीवी पोषण जिस जो पौधे इस पोषण से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें कहेंगे परजीवी। अब हम लोग दो और पौधे लेते हैं, एक है आकाशबेली, आकाशबेली का पौधा। इस पौधे को हम लोग बोर्ड पे लाएंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे जूम करके अच्छी तरह से कि किस टाइप से आकाशबेली का पौधा ये दूसरे जीव से अपना भोजन बना रहा है। यह है आकाशबेली का पौधा आप लोग का,
ये जो आकाशवेली का पौधा है इसमें देखने से आपको क्या दिख रहा है, इस पौधे में भी देखिए ये मेन पौधा जो हरे रंग का दिख रहा है, ये जो पीला रंग का दिख रहा है, पीले रंग का यही है आकाशवेली, ये पीला रंग का, ये पीला रंग जो है ये देखिए, ये जितना पीला रंग है ये मेन पौधा हरे रंग का है उसको ये जकड़ा हुआ है। कहने का अर्थ है ये जीवित पौधे से, जीवित पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो पोषण की इस विधि को हम लोग कहेंगे परजीवी पोषण, जिसमें किसी जीवित पौधे से जब कोई पौधा अपना भोजन प्राप्त करे। इसमें मुख्य रूप से आता है अमरबेल, आप देखे ही तना बेल है, इसका नाम है मिसलेटो या फिर आकाश बेली होता है। तीसरा पौधा है रेपलेसिया, इस टाइप का ये जड़ में रहता है, तो ये तना से प्राप्त करता है, ये भी तना से, दोनों तना वाला है। दूसरा है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव मृत और विघटित, विघटित कहने का मतलब है सड़े गले पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे इसमें फूफंद और कुकुरमुत्ता या मशरूम आता है, मशरूम नीचे जो सड़ा गला पौधा रहेगा, सड़ा गला जो विघटित कोई मरा हुआ जीव है वहां से प्राप्त करेगा। हम लोग फूफंद को एक फफूंद को जो है एक चित्र की सहायता से देखने का प्रयास करते हैं कि फफूंद दिखता किस टाइप का है, हम लोग का फफूंद होता क्या है।